अच्छा, तो आप अगर कभी घूमने आए यहाँ पे तो खास कर ये ध्यान रखिए कि जो मौसम है वो बारिश का मौसम हो, ठंडा मौसम हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो जो है हम राजस्थान साइड के बनाए, तो मैं इस बार राजस्थान में जो अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे काफी चीजें देखने लायक है, किला है, एक चीज और है जो कि मैंने नेट पे देखी है, मुसी महारानी की छतरी है जो कि मैंने नेट पे देखी थी, उसकी फोटोज वगैरह देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वहाँ पे चलते हैं। 5:30 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा, तब कहीं जाके क्या है मॉर्निंग में जल्दी हम वहाँ पहुंच जाएंगे और धूप होने से पहले जो है वहाँ पे हम घूम पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको एक लाइक जरूर किया करें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है या आप हर बार आते हैं लेकिन अभी तक आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं सीधा हम अलवर में। अलवर आ रहे हैं, अभी 8 बजे हैं, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। हम जो है मुसी महारानी की छतरी की जो है वहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ का जो नाम है वो अलग है। तो इस छतरी का जो मेन नाम है वो है महाराजा बख्तार सिंह, क्योंकि जो ये जो छतरी है ये इनके जो महाराजा बख्तार सिंह है उनके बेटे ने उनके स्वर्गवास होने पर उनकी याद में बनाई थी। और मुसी महारानी की छतरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रानी थी उनके मरने पर वो उनके साथ सती हो गई थी, जो उनके नाम से इनका जो नाम है मुसी महारानी छतरी पड़ा। और यहाँ पे जो पत्थर है ऊपर की साइड संगमरमर के पत्थर है, नीचे लाल रंग के पत्थर हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि छतरी कैसी है। देखिए बिल्कुल मेरे पीछे की साइड है, पीछे जो दिख रही है ये छतरी है। अभी हमने सिर्फ गेट से एंट्री की है, तो आगे का सीन भी आपको दिखाता हूँ। जब आप अलवर आएंगे तो अलवर से कैसे आना होगा, अगर आप खुद का व्हीकल है तो बहुत ईजी है, अदरवाइज़ अगर आप स्टेशन से आते हैं तो स्टेशन से सीधा आप जो कचहरी है यानी कोर्ट जो होता है वहाँ के लिए ऑटो ले सकते हैं, वहाँ से ऑटो लीजिए और ऑटो करके आ जाइए कोर्ट में। कोर्ट के अंदर आते ही आपको थोड़ा सा आपको जाना होगा अंदर, अंदर की साइड आते ही आपको महारानी की जो छतरी है उसकी पौड़ियाँ दिख जाएगी और वहाँ से सीधा आ जाइए ऊपर। इसके अंदर काफ़ी जो चित्र है वो भी है। इस बार मेरे साथ मेरा कज़न का बेटा है वो है साथ में, चंदू, इनका नाम चंदू है। अभी इनकी छुट्टियाँ पड़ गई तो मैं सोचा इसको भी साथ ले चलता हूँ, घुमा के लाता हूँ। तो हम दोनों आए हैं इस बार यहाँ पर, और इस बार मैं सोचा राजस्थान की साइड जो वहाँ पर विज़िट करते हैं, क्योंकि दिल्ली साइड के ज़्यादा शोर शराबा ज़्यादा वो है, और यहाँ पे देखिए कितनी शांति है, इतनी शांति है कि अगर आप आराम से बात करें तो भी क्लियरली सुनेगा। अभी मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा लेकिन फिर भी आपको आवाज़ ठीक सुनाई दे रही होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो सर यहाँ पे आप डिटेल में रीड कर सकते हैं इस छतरी के बारे में। किला का रास्ता जो है यहाँ से भी है, आपको यहाँ कोने में दिख रहा होगा, हम फिलहाल यहाँ पे है महारानी छतरी पे, मुसी महारानी छतरी पे। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, उस साइड से जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा लेकिन काफ़ी लंबा है, 2 किलोमीटर की जो चढ़ाई शायद फोर्ट तक जाने की है। रेड कलर के पत्थर है वो लगे हैं, और ऊपर का जो ऊपर का पोर्शन है वो सारा संगमरमर का है। दोस्तों यहाँ पे है, अगर आप मॉर्निंग में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा लगे, हरियाली जो है वो दिखे, पहाड़ जो है वो दिखे। अभी क्या है धूप का टाइम है तो इस टाइम पे देखिए काफ़ी तेज़ हीट है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे इस टाइम पे बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, कुछ आई थिंक कुछ स्टूडेंट हैं और एक दो लोग और हैं जो कि यहाँ विजिट कर रहे हैं। अभी अगर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो काफ़ी घर है और जो साइड में जो पहाड़ वगैरह वो है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस बिल्डिंग का साइड वाला एरिया है, और यहाँ से ऊपर का जो पहाड़ आपको दिख रहा होगा, और उस पहाड़ पे देखिए उस पहाड़ पे यहाँ पे जो आपको रास्ता दिख रहा है ये वाला, ये रास्ता शायद जो किला है किले की तरफ जाता है। ये जो सामने बिल्डिंग है ये कोर्ट की है जो येलो कलर की है, ये सारा कोर्ट है यहाँ का, कोर्ट का एरिया। अंदर का रास्ता वो सीधी चढ़ेगी हाँ से कोने पे, हाँ उधर ये इस पे जाना है, हाँ इस पे अंदर से ये जाओगे ना सीधा इधर से एक सीधी चढ़ेगी ऊपर। चलो ठीक है, किस नाम से? मम्मल एडवेंचर। तो इनसे हमने पूछा कि किस साइड से रास्ता है वो है, तो सामने से बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। नीचे को कितनी है पोर्शन?
दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे हम कुछ फोटो क्लिक करते हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ममल एडवेंचर मेरा यूजर आईडी है जो नीचे आपको दिख भी जाएगा, तो वहाँ जाके फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको जो सारी फोटोज यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे मिलेगी। तो चलिए, पीछे एक हिरण आया अभी, ये देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे हिरण भी है, और ये पता नहीं किस साइड से चढ़ गया है, शायद उस साइड जो कोने में रास्ता है वहाँ से ये आया है। चलिए देखते हैं वहाँ पे रास्ता कैसा है और फिर यहाँ के बाकी चीज़ देखते हैं हम। हिरण पता नहीं कैसे आ गया यहाँ पे, वही देखिए हिरण वो नीचे उतर गया, यहाँ से रास्ता है इसलिए ये ऊपर आ जाते हैं शायद, ये देखिए पौड़ियों से वो गया। सेट से ही चाहिए ना, सेट से। सामने एक मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर भक्तेश्वर महादेव के नाम से, और इसके बाहर जो बड़ा सा ट्री है ये शायद इमली का है। कभी अलवर आ रहे हैं तो इस जगह पे जरूर होके जाना, काफी अच्छी जगह है। और यहाँ का जो नीचे का है, देखिए पीछे दरवाजा बंद है तो आई थिंक नीचे का जो पोर्शन है वो बंद किया हुआ है और ऊपर का जो पोर्शन है वो खुला है, तो ऊपर चलेंगे हम। और साइड में जो इस साइड है, इस साइड झील है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा है वो आपको मिलेगा इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग में, सनराइज होता है उस टाइम पे ये, या इवनिंग टाइम पे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं। ये जो झील सी है, एक छोटी सी वो है यहाँ पे, यहाँ पे दो लकड़ी की बोट भी है इसके अंदर, पता नहीं चलती है नहीं, अभी तो ऐसे बीच में छोड़ रखे इनको। और इसके नीचे देखिए छोटी छोटी छतरी सी जो है, चार इस साइड है और दो बीच में है, छः छः तीन नौ, नौ तीन बारह, बारह छतरी है कुल लगे बीच में पानी में। और सामने एक पहाड़ी है, सारा संगमरमर से बना हुआ है, ये देखिए पत्थर। यहाँ पे पक्षियों के लिए कुछ दाने भी डाल रखे हैं, ये देखिए नीचे वहाँ पे एक बोर्ड है जिसपे जो अलवर की जो टूरिस्ट वाली जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं वो चीज़ें हैं, वो हम जब नीचे जाएंगे तब मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। ये संगमरमर की छतरी का जो फ्रंट है वो है, यहाँ पे जो पौड़ियाँ हैं वहाँ पे जो आपको पौड़ियाँ दिख रही है वो भी संगमरमर की है। आई थिंक मेन जो छतरी है वो यही है और यहाँ बीच में कुछ है वहाँ पे, तो चलिए। नमस्कार जी, पूरे रह रहे हो क्या आप? पूरे रह रहे हो? ये क्या चीज है अपना, मतलब क्या बना रखा है? चरण सा ये मुझे महारानी और महाराज के पगले बना रहे हैं, मुझे महारानी और महाराज के पैर हैं। नीचे वाला पोर्शन बंद क्यों कर रखा है? कमरे हैं ये, तो नीचे कमरे हैं, हमारे टाइम में तो स्कूल लगती थी, स्कूल था ये नीचे, स्कूल था। और वो उस साइड क्या है? वो जो उस साइड है, वो नीले नीले, हाँ मंदिर है वो, वहाँ पे कपड़े वगैरह टंग रहे, कोई रहता होगा अब। सामने ये मंदिर, ये मनसा देवी का मंदिर है। पैरों के जो निशान है वो यहाँ के राजा और महारानी के जो पैर हैं उनके चिन्ह हैं। आई थिंक गिलास इसलिए यहाँ पे पानी डालकर इनको धोते हैं पानी से, अंदर से इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। देखिए यहाँ पे आपको एक कलाकृति दिख रही होगी, एक हाथी है, आसपास घोड़े हैं और एक इस साइड मूर्ति है। और यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए छोटी छोटी मूर्ति कितनी है यहाँ पे, और सभी मूर्ति में अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे एक नाग के साथ है। अब सभी भवनों को मैं पहचानता नहीं, काफ़ी पुरानी मूर्ति है। सेम एक इस साइड है, तो चारों साइड है। और ऊपर का जो पोर्शन है ये देखिए, इसके अंदर जो पेंटिंग्स हैं कलरफुल वो है। और नीचे की साइड देखेंगे तो ऊंट पर बैठकर जो जा रहे हैं वो है, जैसे कि इस साइड जो गणेश जी है उसकी है। बाबा क्या कहानी थी इनकी पता है कुछ? वैसे नृत्यकार नहीं थी। अच्छा, 16-17 साल इसको करौली से ले आया था, मोमडन। करौली से कौन ले आया था? महाराज भक्तावर सिंह। अच्छा,
वैसे इसने शादी तो नहीं की थी ना, ये वैसे ही रहते थी, बाकी रानी की तरह रखने लग गया था वो। और इसका जो निर्माण है इसके बेटे ने करवाया था, विनय सिंह ने। ऊपर का एरिया जो है वो हमने घूम लिया है, और यहाँ पे एक जो बाबा है वो बैठे थे, उनसे थोड़ी सी जानकारी ली हमने कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पे था। यहाँ पे घूमने के लिए तो काफ़ी जगह है, लेकिन मौसम जो है वो बारिश का होना चाहिए। तो आप अगर कभी घूमने आए यहाँ पे तो खास कर ये ध्यान रखें कि जो मौसम है वो बारिश का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, उस टाइम पे आप आइए तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी जगह घूमने की है, सिर्फ यहीं पे आसपास पे ही 4-5 जगह है घूमने की, और पूरे अलवर में तो और भी काफ़ी है। जैसे कि लास्ट टाइम हम सिलीसेट झील गए थे, वहाँ पर भी जा सकते हैं आप। जुलाई में शायद बारिश आ जाएगी तो फिर हम दोबारा से आएंगे, और फिर मैं आपको यहाँ का जो किला है बाला किला वहाँ पे चलेंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं, और नीचे की जो साइड में जो वोट वगैरह जो लकड़ी की है वो और दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो सामने मैं आपको बता रहा था, एक्चुअल में हमने ऊपर पता किया ये भी मंदिर था, जो कि अब यहाँ पे कुछ लोग जो है किराए पे रहने लगे हैं। अदरवाइज यहाँ सारा एरिया जो है वो एक ही जगह का है। ये देखिए जो पहाड़ी आपको सामने दिख रही है, इस पहाड़ी की दूसरी साइड जो है एक कुंड है पानी का, लेकिन गर्मी में काफ़ी तेज़ है मेरे रास्ते में, तो अभी हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। जो ये बावड़ी टाइप में जो है नीचे, ये और देखते हैं। तो इसके लिए हमें किस साइड जाना होगा, इस साइड से पौड़ियाँ हैं, इस साइड से उतर सकते हैं, या फिर इसके इस साइड भी है, इस साइड छाए हैं तो हम इस साइड चलेंगे। पानी जो ख़राब हो चुका है, देखिए सारा पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का है, काई भरा। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं शायद यहाँ पे मछलियाँ भी है कुछ। यहाँ पे देखिए एक अच्छा काम किया हुआ है, पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है गर्मी में। तो ये देख लीजिए दोबारा एक बार छतरी, बाहर से काफ़ी खूबसूरत है। अब चलते हैं नीचे, देखिए इस दरवाजे से हम आए थे ऊपर, नीचे जो है कोर्ट जाने का रास्ता है, यहाँ कोर्ट का है, तो इसके इस साइड चलेंगे। एक रास्ता दूसरी साइड भी है, उस साइड कुछ लोग बाइक वगैरह लेके आ रहे हैं, वो भी देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर हम बाइक से आते हैं तो सीधे बाइक जो है वो हम यहीं पे लेकर आ सकते हैं। ये देखिए पीछे पानी, सारा पानी ख़राब हो चुका है। मछली है क्या मैं? हाँ मछली है। अच्छा यहाँ देखिए काफ़ी मछली है, हाँ। बड़ी बड़ी वो देखिए। अच्छा इनको जो खाना कौन देके जाते हैं, खाने जाने वाले आते रहते हैं ना यहाँ पे कभी। वैसे तो इस जोड़ में भी इनके लिए काफी चीजें मिल जाती होगी खाने के लिए। हाँ अंदर भी काफी चीजें। गंदगी बहुत कर रही है यहाँ पे, गंदगी बहुत है। हाँ तो करते ही हुए, सफाई कराई थी पहले, हाँ। इसकी फिर जैसे जनता है यार, जनता किस किस को मना करे, वहाँ से पटक देती है ऊपर से, कहीं से हो महेंद्रगढ़ से। उस सामने देखिए वहाँ पे निशान लगा हुआ है, तो 22 मीटर तक जो पानी है वो है, यानी कि काफी गहरा है। और रिस्क भी यार, इनके भी चारों तरफ वो लगानी चाहिए, इनको रेलिंग लगानी चाहिए, कोई बच्चा वगैरह आ जाएगा। दोस्तों ये जो फिश है ये कैट फिश है, देखिए इसकी मूछें कितनी बड़ी है, आगे की मोदी जी के इतने कहने पे भी लोग समझते नहीं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी गर्मी भी कम है, तो यहाँ पे पानी है शायद इसकी वजह से, और छाया भी है, बाकी जगह पे ज़्यादा धूप है, तो हम यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। अगर हो सका तो टाइम लगा तो हम म्यूजियम में जाएंगे, लेकिन उसका व्लॉग मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे एक बोर्ड है, रिजर्व व्यू है। सबसे पहले ये सिरिस्का का जंगल है जहाँ पे टाइगर रिजर्व का है, ये सिलीसेट जेल जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे, होप सर्कस ये कहाँ पे है, ये म्यूजियम है, ये बर्थरी धाम है जहाँ लास्ट टाइम मैं गया था वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं बर्थरी की तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा। और जो सिलीसेट है इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आई बटन पे, वो चेक कर लीजिए। ये सागर झील, ये शायद यही है ना, सागर झील वही है जो अभी हमने देख के आए हैं। पुरंजन विहार, फतेहजंग, इस पे चलेंगे बारिश के सीजन में। ये मूसी महारानी की छतरी जहाँ पे अभी हम गए थे, ये पीछे रही, ये मूसी महारानी की छतरी।
और ये नीलकंठ जो कि अरे भी बढ़िया बन रहा है, और ये बांगड़ा किला है और जगह है ये। चले यहाँ चलते हैं, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने जो सागर झील है वो भी देख ली और जो मूसी की जो छतरी है वो भी देख ली।